इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, आप बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड लिमिटेड है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट पर ईयर, हम 2 लाख यूनिट बना सकते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो कितना, यूटिलाइजेशन इज 90%, 90% हम नॉर्मली। तो जब भी एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह यूज करेंगे वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली इतना ही होता है भाई, 2 लाख यूनिट बना सकते हैं लेकिन बनाते नॉर्मली कितना, हम 90%। तो मतलब हम, हमारा नॉर्मल जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 2 लाख का 90% मतलब कि 1,80,000 यूनिट्स। क्लियर है भाई? उसके बाद में दे रखा है स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आर ₹11 पर यूनिट। क्लियर है? कोई बात नहीं। द फिक्स कॉस्ट आर 3,60,000 पर ईयर। फिक्स कॉस्ट है जो 3,60,000, मतलब कि एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन रेट हो गई हमारी 3,60,000 पर ईयर है और यूनिट है कितनी, 1,80,000, मतलब कि पर यूनिट कितना है, ₹2। सर फिक्स कॉस्ट हम पर यूनिट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन किसका है, इनकम स्टेटमेंट का, जहाँ आपको एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। समझ आ रही है? ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह कैलकुलेशन होता तो हम इसको टोटल के अंदर ही रहने देते। उसके बाद में लिखा है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आर ₹3 पर यूनिट एंड फिक्स सेलिंग कॉस्ट आर 2,70,000 पर ईयर। क्या इसके भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के भी हम एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ हम फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेट करते हैं। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन भी जो होगा वो किसका होगा, फैक्ट्री ओवरहेड का होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिक्स ओवरहेड होंगे वो हम लास्ट के अंदर लिख देंगे। द यूनिट सेलिंग प्राइस इज ₹20 और यूनिट को हम सेल कितने पे करते हैं, ₹20 में सेल करते हैं। इन द ईयर जस्ट एंडेड 30th June 2014 द प्रोडक्शन वॉज 1,60,000 यूनिट। हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 1,60,000, मतलब कि हमारा जो रिकवरी हुई है, रिकवर्ड फिक्स ओवरहेड कितने हो गए, 1,60,000 यूनिट और पर यूनिट हम कितना रिकवर करते हैं, 2, मतलब कि कितना, 3,20,000। क्लियर है? एंड सेल्स वर 1,50,000 यूनिट और सेल जो है वो 1,50,000। एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, एंड द क्लोजिंग चल क्यों नहीं, अच्छा डिस्चार्ज हो गया लगता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ऑन 30th June जो है वो कितना है, 20,000 है यूनिट। एंड एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर 35,000 हायर देन द स्टैंडर्ड। एक्चुअल वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, 35,000 ज़्यादा हो गया जितना हमने सोचा था। सोचा मतलब हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, तो 1,60,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो 1,60,000 इंटू पर यूनिट कितना होता है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 11 के हिसाब से, तो कितना होना चाहिए था, 1,17,60,000, लेकिन कितना हो गया, 1,17,60,000 प्लस 35,000, 35,000 ज़्यादा हो गया, तो 1,795,000। तो हम कितना लिखेंगे, 1,795,000 या 1,760,000, या फिर 1,760,000 लिख के 35,000 ओवर एब्जॉर्प्शन लिख देंगे, सॉरी अंडर एब्जॉर्प्शन लिख देंगे। क्या ऐसा करेंगे, नहीं, ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन जो है वो किसके अंदर होता है, फिक्स के अंदर होता है, वेरिएबल के अंदर नहीं होता। वेरिएबल में जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता होगा उतना लिख देंगे। तो एक्चुअल में खर्चा हुआ कितने का है, स्टडी मटेरियल अपने पास रखें, 1,795,000। ठीक है, देन द स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है, देखो 1,60,000 आपने यूनिट है जो प्रोड्यूस किया और 1,50,000 है जो सेल की है, मतलब कि 1,60,000 माइनस 1,50,000, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, 10,000, लेकिन आपका क्लोजिंग स्टॉक बता कितना रहा है, 20,000। तो ये 10,000 की जगह 20,000 के हैं, तो हो सकता है कि ओपनिंग, हम यही मानेंगे कि भाई हमारे पास ओपनिंग होगा कितना, 10,000, ताकि 10,000 ओपनिंग का हो गया और प्लस 1,60,000 इस साल का प्रोडक्शन हो गया, तो ये हो गया 1,670 और जिसमें से 1,50,000 हमने सेल कर दिया, तो बाकी बचे आपके 20,000। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो इलस्ट्रेशन वन किया वो सेम है, सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ें अलग है। दो चीज़ें कौन सी, एक तो उन्होंने वेरिएबल जो है वो ज़्यादा दिया है, तो वेरिएबल जितना एक्चुअल होगा वो अमाउंट हम कैलकुलेट करके लिख देंगे, और इसके अंदर एक उन्होंने ओपनिंग स्टॉक दे दिया, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस तरीके से होगा। अब समझिएगा, इस साल जैसा क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बना होगा। समझ पा रहे हो? तो क्लोजिंग का जिस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं उसी तरीके से ओपनिंग का हो जाएगा। तो पीछे वाले साल के अंदर हमने जो उनका वैल्यूएशन किया होगा 10,000 का, वो किस तरीके से किया होगा, तो हम बात करें अगर एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों को कंसिडर किया जाता है, और मार्जिनल के अंदर वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी, 11, तो मार्जिनल के अंदर हमने कितना रिकवर किया होगा पर यूनिट, 11 के हिसाब से, और यहाँ पर कितना है, ₹2 ये फिक्स के और ये ₹11 इसके,
तो यहाँ 13, तो ओपनिंग का वैल्यूएशन कैसे हो जाएगा, ओपनिंग का यहाँ पर हो जाएगा 10,000 इंटू 13, कितना हो गया 13 इंटू 10,000 1,30,000, और यहाँ कितना हो जाएगा 11 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा 1,10,000। ये आपका क्वेश्चन वैसा फर्स्ट के जैसा जैसा, बस इसके अंदर एक ओपनिंग हो रहा है, उसके अलावा और कोई चेंज है क्या? नहीं, और कोई भी चेंज नहीं है। सर अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी कितना है वो बता दीजिए, तो वो देख लेते हैं भाई। अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी के लिए उन्होंने क्या कहा, फिक्स ओवर हेड हुए कितने 3,60,000, और हमने रिकवर कितने किए, हमने रिकवर किए 3,20,000, हमने रिकवर कितने किए 3,20,000, जबकि एक्चुअल में कितने हुए 3,60,000। 3,60,000 मतलब कि एक्चुअल जितना हुआ उतना रिकवर करना चाहिए था, तो रिकवर कितना करना चाहिए था 3,60,000, जबकि हमने रिकवर कितना किया 3,20,000, तो हमने क्या किया 40,000 का कम रिकवर किया, तो 40,000 का क्या हो जाएगा अंडर रिकवरी हो जाएगा। अब बाकी इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं दिक्कत आएगी क्या? नहीं, बाकी क्वेश्चन के अंदर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम आंसर से मैं एक बार आपको टैली करवा देता हूँ, आपको हाथ से करने में जल्दी करवाने के लिए, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बाकी क्वेश्चन आपको सारे हाथ से ही ट्राई करने। अगर क्वेश्चन इसके अंदर हाथ से ट्राई नहीं करोगे तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, समझ पा रहे हो? कॉस्टिंग के अंदर आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप आज से क्वेश्चन कर रहे हो। मैं यहाँ पर जल्दी करवाने के लिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कोई क्वेश्चन के अंदर दिक्कत ना रहे, अगर दिक्कत रहे तो वो क्वेश्चन देख लो, उसके लिए मैं ये करवा रहा हूँ। सेल हो गया, ठीक है, सेल का अमाउंट हो गया, उसके बाद में ये वेरिएबल, वेरिएबल हम जितना होगा एक्चुअल होगा वही लेंगे, और अगर एब्जॉर्प्शन से बना रहे हैं तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर जो फिक्स ओवर फैक्ट्री ओवरहेड है वो ले लेंगे, और वो भी कितना एब्जॉर्ब ले लेंगे, एब्जॉर्ब हमारा कितना है 3,20,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा यहाँ पर, फिक्स और ये दोनों को मिला के 21,21,15,000 आपके कितनी यूनिटों के लिए, कितनी यूनिट प्रोड्यूस किया आपने 1,60,000, तो 20,000 के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 20,000, ये आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा। बाकी इसके अंदर एक चीज़ नहीं है, जो आपके ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दे रखा है वो हमें हमने कैलकुलेट कर दिया, और वैसा वैसा मार्जिनल के अंदर करोगे तो यहाँ पर क्या करेंगे सिर्फ वेरिएबल जो वो लेंगे, यहाँ पर जो आप लेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट वो वेरिएबल ही लेंगे, और जो आपका वैल्यूएशन होगा वो भी वेरिएबल के हिसाब से होगा। मतलब कैसा कि आप क्या कहोगे 17,95,000 रुपये लगते हैं हमारे कितने यूनिटों के लिए सर 1,60,000 के लिए, तो सर 20,000 के लिए इनका क्या वैल्यू है, तो उसके हिसाब से हमारे ये हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो ये इलस्ट्रेशन 1 के जैसा जैसा, इसके अंदर और कोई चेंज नहीं है, बस एक ओपनिंग का अलग से दे रखा वो एडजस्ट करना, और एक इन्होंने यहाँ पर क्या किया जो वेरिएबल ओवरहेड है उनके अंदर इंक्रीज बता रखा, तो वो भी हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। वेरिएबल में जितना एक्चुअल होगा वही लिखेंगे, फिक्स्ड के अंदर वैल्यूएशन के टाइम तक कितना लिखेंगे जितना रिकवर्ड है, जो भी अंडर और ओवर होगा वो बाद में एडजस्ट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एन इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश ए सब्सिडियरी कंपनी। पहले इलस्ट्रेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हम शॉर्ट के अंदर कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट के अंदर क्यों, क्योंकि वहाँ हम डिटेल में देख चुके हैं। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश ए सब्सिडियरी कंपनी इन भूटान टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर। अच्छा, हमारी ये कंपनी है भूटान के अंदर सब्सिडियरी कंपनी बनाना चाहते हैं, बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स ऑफ 40,000 बोटल्स फॉर मिनरल वाटर कॉस्ट स्टडीज प्रोड्यूसेज द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर भूटान इज सब्सिडी। वो कह रहा है कि मटेरियल 2,10,000, जिसके अंदर वेरिएबल का पोर्शन कितना है 100% है, लेबर जो है उसके अंदर 80% है 1,00,000, तो यहाँ साथ में लिख के देते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसके अंदर 100% है, मतलब ये यहाँ पर कितना हो गया 2,10,000, यहाँ कितना हो गया 1,50,000 का 80%, 1,20,000, यहाँ कितना हो जाएगा 92,000 का 60%, 55,200 और 40,000 का 0.35, मतलब कि 14,000, तो आपके टोटल वेरिएबल कितना हो जाएगा 14,000 प्लस 55,200 प्लस 1,20,000 प्लस 2,10,000, ये हो रहा है आपका 399,200। क्या हमें टोटल के अंदर चाहिए क्या? नहीं, हमें पर यूनिट में चाहिए, तो पर यूनिट के अंदर कितना हो जाएगा 399,200 माइनस टोटल आपका कॉस्ट कितनी लग रही है 2,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 92,000 प्लस 40,000, ये आ रही है आपकी 4,92,000, क्लियर है? तो पर यूनिट ये हो गया 399,200 डिवाइडेड बाय 40,000, कितना हो गया ये 9.98 रुपीज़ पर यूनिट आता है, ठीक है। और फिक्स
ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड को हम क्या कर देंगे टोटल के अंदर कर देंगे। टोटल कितना है 4,92,000 है, जिसमें से 3,99,200 है जो वेरिएबल है, मतलब कि 92,800 आपका फिक्स ओवरहेड है। फिक्स ओवरहेड को टोटल के अंदर कैलकुलेट करना है, कर लिया। वेरिएबल को पर यूनिट में कैलकुलेट करना है, कर चुके हैं, ठीक है। द भूटान प्रोडक्शन विल सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव हु विल रिसीव ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ सेल प्राइस। ओके, उसे क्या किया जाएगा, 8% सेल प्राइस का कमीशन दिया जाएगा। नो पोर्शन ऑफ इंडियन ऑफिस एक्सपेंस इज टू बी एलोकेटेड टू भूटानी सब्सिडी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ का कोई भी खर्चा हुआ हम एलोकेट नहीं करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको पता करना है क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो यू आर रिक्वायर्ड टू के बाद में जो लिखा है वो, क्योंकि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन पूछी है उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को, क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन है जो यूज करनी है। पहला क्या कह रहा है, कंप्यूट द सेल प्राइस पर बोटल टू इनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एन एस्टिमेटेड 10% प्रॉफिट ऑन सेल प्रोसीड इन भूटान। वो कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, सेल प्राइस पे कितना चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई हम कितने में सेल करें। देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपका अब यूनिट, सपोज यूनिट जो है वो, अच्छा यूनिट तो 40,000 है, सेल प्राइस है, सपोज सेल प्राइस जो है वो 10x कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट अदर देन कमीशन कितनी हो जाएगी, 40,000 यूनिट है, अब पर यूनिट हमारा कितना लगता है, 9.98। तो ये हो गया 40,000 × 9.98, यार आपका 3,99,200। उसके अंदर कमीशन का कितना जाएगा, 8% ऑफ, क्या लिखा है, कमीशन कितना देते हैं हम, कमीशन विल बी 8% ऑफ सेल प्राइस, सेल प्राइस का 8% है। तो सेल प्राइस एक्स है, तो 40,000 यूनिट है, 40,000 × 40,000 x हो गया, टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो गई, 40,000 x, उसका 8%, इसका 8%, मतलब कितना हो गया, 40,000 × 0.08, 3,200 x, ठीक है। प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस कितने, फिक्स्ड एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किए थे कितने थे, 92,800, ये हो गया 92,800, और इसके अंदर हमें ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, सेल का 10%, 40,000 यूनिट है, एक्स के हिसाब से सेल किया उसका 10%, मतलब कितना हो गया ये, 4,000 x, ठीक है। और ये सब करेंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगी, सेल्स वैल्यू मिल जाएगी, जो कितनी हो जाएगी, 40,000 यूनिट है और एक्स के हिसाब से सेल करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेल प्राइस कैलकुलेट करनी, बस यही इक्वेशन है जो इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर देंगे भाई, इक्वेशन क्या बनती है आपकी, 3,99,200 प्लस 3,200 x प्लस 92,800 प्लस 4,000 x इज इक्वल टू 40,000 x, ठीक है। एक्स वालों को छोड़ के जिसके अंदर एक्स नहीं है वो साथ में कर देते हैं, 399,200 प्लस 92,800, ये हो गया आपका 492,000, और उसके बाद में एक्स वाले सारे एक साथ में कर देते हैं, 40,000 x माइनस, ये इधर प्लस है और इधर प्लस है तो उधर जाते से माइनस हो जाएंगे, 3,200 x और माइनस 4,000 x, यह जाएगा 40,000 − 3,200 − 4,000, ये हो गया 32,800 x इज इक्वल टू 4,92,000, देन x विल बी 4,92,000 डिवाइड बाय 32,800, 15 रुपीज़ आ रहा है क्या, कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिएगा, कहीं कोई आपको कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्लियर है। उसके बाद में सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं,
कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सेल्स, सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सेल्स एज ऑल्सो इन नंबर ऑफ बॉटल्स फॉर द भूटानी सब्सिडी ऑन द एजम्पशन दैट द सेल प्राइस इज 14 पर बोतल। वो कह रहा है कि आप क्या कीजिए, ये कैलकुलेट करके बताइए ब्रेक इवन पॉइंट, और ये मान के कि सेल प्राइस है जो 14 है। अगर सेल प्राइस 14 होगा तो कमीशन कितना हो जाएगा, सेल प्राइस का 8% है तो ये हो जाएगा 14 का 8% 1.12 रुपीज। तो आपके टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, ये क्या है वेरिएबल है क्या, पर यूनिट में लग रही है, ये भी वेरिएबल हो गई। तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई पहले से कितनी थी 9.98, मतलब कमीशन के अलावा, और ये हो गई 1.12। तो 9.98 प्लस 1.12 ये हो गया 11.1 रुपीज। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 14 रुपीज के अंदर सेल करते हैं भाई, जिसमें से 11.1 आपका वेरिएबल का चला जाता है, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 2.9। ठीक है, और फिर आप अब तो आगे आप आराम से कर ही लोगे। आपके फिक्स्ड ओवरहेड कितने, 92,800 है, तो ये 92,800 एक यूनिट पे कितना रिकवर कर लेते हैं 2.9 का कंट्रीब्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा 92,800 डिवाइडेड बाय 2.9, ये हो गया आपका 32,000 यूनिट। ठीक है, क्लियर है, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा जिसके अंदर आप कैलकुलेट कर दोगे कि कितनी बोतल है जो सेल करनी, 32,000 हो गई बोतल। ठीक है, आप स्टडी मटेरियल साथ रखें ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको परेशानी नहीं आए, क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ते रहिए और हम यहाँ पर आंसर पे ध्यान दे पाएंगे। तो स्टडी मटेरियल जब आप ये कर रहे हो तो साथ में रखिए, क्योंकि दोनों साथ में देखने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ से देख रहा हूँ और यहाँ से भी देख रहा हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उसके बाद में लिखा है द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी है 70% है सेल की, ब्रेक इवन पॉइंट अकर एट 60%, ब्रेक इवन पॉइंट 60% पे होता है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 40% हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट सेल की 70% है, मतलब कि पीवी रेशियो कितना हो गया 30%। और इस बात से हमें ये भी पता चल गया कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट अगर 60% पे तो एमओएस कितना है 40%। फाइंड द कैपेसिटी वेन सेल्स वेन फिक्स कॉस्ट आर रुपीज 90,000, फिक्स कॉस्ट 90,000 है, ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। वो कह रहा है कि 75% कैपेसिटी पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट कीजिए। बस नॉर्मल इक्वेशन है, क्या करते हैं हम, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। अगर बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की तो ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0, फिक्स कॉस्ट कितना है 90,000, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा 90,000, जो कितना परसेंट है 30% है, ये कितना है 30% है, तो सेल कितना हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 30%, 90,000 डिवाइडेड बाय 30% ये हो गया 3 ले। अब आपको टोटल सेल्स पूछे तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना परसेंट है 60% है, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, टोटल सेल्स आपकी हो जाएगी 5 लाख। समझ पा रहे हो कि भाई 3 लाख जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे, और ये कितने के बराबर है 60 के बराबर, तो 100 के बराबर कितनी हो जाएगी ये आपकी टोटल सेल्स हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि 75% पे प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। अब 75% पे मतलब कितना हो गया 5 लाख का 75% ये हो गया आपका 3,75,000 सेल हो जाएगी, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा 0.3, मतलब कि 30% 1,12,500, और जिसमें से 1,12,500 में से 90,000 आपके फिक्स कॉस्ट के चले जाएंगे, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 22,500। कैलकुलेट पे कर पाओगे, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट के अंदर जरूर बता दीजिएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिटरमाइन प्रॉफिट, प्रॉफिट पता करना है व्हेन सेल है आपकी 2 लाख रुपये, ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो है वो कितने के 40,000 के, और ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे 1,60,000 पे। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया, ये तो कुछ बचा ही नहीं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये हो गया सब ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ, प्रॉफिट हो गया नील, ठीक है, फिक्स कॉस्ट वो कितना कह रहा है 40,000, और तो कंट्रीब्यूशन भी कितना हो जाएगा
40,000, और उसके बाद में वो और क्या दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कितने की 1,60,000। तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 40,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 1,60,000 इनटू 100, आपका पीवी रेशियो कितना आ गया, 25%। वो कह रहा है कि अगर सेल आपकी 2,00,000 रुपए हो तो उस केस में क्या होगा, ये लो 2,00,000 रुपए की सेल हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इसका, 25%। ये हो गया 50,000, जिसमें से 10,000 रुपये आपके किसके, सॉरी 40,000 रुपये आपके ये चले जाएंगे फिक्स कॉस्ट के, तो बचे कितने, 10,000 रुपये का प्रॉफिट। बहुत आसान हो गया। डिटरमाइन सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट 20,000 है, फिक्स कॉस्ट 20,000 दे रखा है, प्रॉफिट वो क्या कह रहा है, 10,000, और बीईपी कितने पे, 40,000 पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट से अपन यही सेम ही करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या करते हैं, एस माइनस वी सी माइनस एफ और पी। ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना दे रखा है, 0, फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है वो 20,000, तो कंट्रीब्यूशन भी कितना हो गया 20,000, और ब्रेक इवन पॉइंट की सेल दे रखी है कितनी, 40,000, तो पीवी रेशियो आपका कितना हो गया, 20,000 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये हो गया आपका 50%। उसके बाद में वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन सेल, सेल पता करनी व्हेन फिक्स कॉस्ट 20,000 और प्रॉफिट है जो 10,000, तो प्रॉफिट की जगह कर दो 10,000, फिक्स कॉस्ट का 20,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करना है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये अर्न करना है, तो सेल कितने की करनी होगी, ये कितने के बराबर है, 50 के बराबर है, और ये सेल कितने के बराबर है, 100 के। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 30,000 कितने के बराबर है, 50 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा, 60,000, ठीक है, तो 60,000 की सेल करनी होगी, कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या है, देखो दो कॉन्सेप्ट यहाँ एक्स्ट्रा एडिशनल आएंगे आप यहाँ जब क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्या बताता है, देखो सपोज आपको दे रखा है कि भाई हम 30,000 यूनिट है जो सेल करते हैं, उन्होंने 30,000 पे दे रखा है, और उन्होंने 40,000 यूनिट्स पे दे रखा है, और वहाँ डाटा उन्होंने इस तरीके से दिया 30,000 40,000 पे सेल्स वैल्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, और ये आता है आपका सपोज प्रॉफिट आता है। मान लीजिए सेल प्राइस जो है वो पर यूनिट है 10 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके 6 रुपये, तो सेल कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 10 कितना होगा, 3,00,000, यहाँ कितना आ जाएगा, 40,000 यूनिट अगर सेल करेंगे तो 4,00,000 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 6 × 30 1,80,000, ये कितना हो गया, 6 × 4 2,40,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, यहाँ 1,20,000, और यहाँ कितना हो गया आपका 1,60,000, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट सपोज आपके 1,00,000, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000, और यहाँ कितना हो गया आपका 60,000। अब आपसे अगर कोई पूछे कि पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करो, तो आप क्या कर सकते हो, भाई कंट्रीब्यूशन 1,20,000 होता है तो सेल होती है 3,00,000, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, या तो यहाँ से कर दो, अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000, यहाँ पर 4,00,000 की सेल पे डिवाइडेड बाय 4,00,000 इंटू 100, दोनों ही जगह कितना आ रहा, सेम ही आएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000, ये आ रहा आपका 40%। अब क्वेश्चन कहे कि नहीं, इन दोनों मेथड से नहीं करोगे, किसी और मेथड से करो, तो हम क्या कह सकते हैं, भाई 30,000 से लेके 40,000 तक, मतलब कि 10,000 यूनिट अगर बढ़ती है, तो 10,000 यूनिट के अंदर सेल कितने से बढ़ती है, 1,00,000 रुपीज़ पे, 1,00,000 रुपीज़ से, और आपका कंट्रीब्यूशन कितने से बढ़ता है, 40,000 यूनिट से बढ़ता है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, इन 10,000 यूनिट पे सेल कितने की है, 1,00,000 के, और इन जो एडिशनल 10,000 पे कंट्रीब्यूशन कितने का, 40,000 का, तो आप क्या कह सकते हो कि 40,000 डिवाइडेड बाय
1 लाख, ये 10,020 के जो एडिशनल है उसके हिसाब से कैलकुलेट करो तो ये भी कितना आएगा आपका 40% आएगा। क्वेश्चन ने कहा कि नहीं ऐसे भी कैलकुलेट नहीं करोगे, ये भी मेरे को मजा नहीं आ रहा है, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी हो तो कैसे करोगे। तो अब देखो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज होगा उतना ही आपका प्रॉफिट के अंदर चेंज होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में से अमाउंट जो चेंज होगा लेस होगा वो सेम हो रहा है, फिक्स कॉस्ट जितनी है वो की वही रहेगी, 30,000 है चाहे 40,000, तो जितना यहाँ पर है उतना ही क्या होगा यहाँ पर होगा, समझ पा रहे हो? तो फिक्स कॉस्ट दोनों जगह सेम है, दोनों में से अमाउंट सेम ही लेस हो रहा है। अगर 5 और 7 के अंदर 2 का फर्क है और दोनों में से अगर 3-3 लेस करते हैं तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे और 7 में से 3 गए तो 4 बचे, तो उन दोनों का भी गैप कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। अगर कॉन्स्टेंट अमाउंट दो अमाउंट में से कोई कांस्टेंट अमाउंट अगर लेस किया जाए तो डिफरेंस ऐसे चेंज नहीं होगा, क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हो कि चेंज इन प्रॉफिट से भी पता कर सकते हो। तो एक नया फॉर्मूला और होता है जिसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं हमारा पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्यों चेंज इन प्रॉफिट कितना होगा जितना चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ए कंपनी हैज 3 फैक्ट्री सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ विद द हेड ऑफिस इन मुंबई, ठीक है। द मैनेजमेंट हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग समरी रिपोर्ट ऑन ऑपरेशन ऑफ ईच फैक्ट्री फॉर द पीरियड, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जिसके अंदर भाई साहब ये बता रहे हैं, ये अटक क्यों रहा है भाई? वो कह रहा है एक्चुअल जो है वो सेल जो थी वो 1100 थी और एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो 135 था, लेकिन ओवर और अंडर मतलब बजट से 400 कम हो गई और प्रॉफिट कितने से कम हो गया? 180 से कम हो गया, समझ पा रहे हो? तो उसके अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई आप देखो इसके अंदर पीवी रेशियो कैलकुलेट अगर करने को कहे तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं आराम से। चेंज इन प्रॉफिट कितना हो जाता है देखो, अगर 1100 की एक का ही करेंगे, नॉर्थ का कर देंगे अपन ताकि बाकी का आप कैलकुलेट कर लो। नॉर्थ के अंदर अगर एक्चुअल की बात करें तो वो क्या था और बजटेड की बात करें तो क्या था? एक्चुअल के अंदर जो सेल जो थी वो हमारी कितनी थी? 1100 थी और प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था सर 135, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पर सेल कितनी हो गई? 400 से कम हो गई, मतलब 1100 माइनस 400 कितना हो गया, ये सेल हुई 700 की और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कितने से कम हो गया? 180 से कम हो गया, तो कितना हो गया? 135 माइनस 180 कितना हो गया? माइनस का 45। तो चेंज इन पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट कर दोगे? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 135 माइनस का 45 डिवाइडेड बाय 1100 माइनस 700, तो ये कितना हो गया? 135 माइनस प्लस हो गया, मतलब 135 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 400, मतलब कि 45%। वैसे इतना करते ही नहीं, आप सीधा भी दे रखा था इन्होंने वैसे कि भाई 180 का प्रॉफिट में चेंज आ जाता है अगर सेल के अंदर 400 में चेंज आता है, तो चेंज इन ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल से पीवी रेशियो कैलकुलेट कर दो। वैसे वैसे फैक्ट्री बी का भी कर दोगे, वैसे वैसे फैक्ट्री सी का भी कर दोगे, कर लोगे। उसके बाद में आपको क्या कहा, कैलकुलेट फॉर ईच फैक्ट्री एंड फॉर द कंपनी एज और द फिक्स कॉस्ट, हर किसी के लिए फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी। फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर दोगे? अब भाई पीवी रेशियो आ गया जैसे ए का 45%, तो आप क्या कर दोगे? नॉर्थ का बना दीजिए, सेल जो है वो कितने की? 1100 लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। 1100 पे वो क्या कह रहा है? प्रॉफिट कितना होता है? 135 रुपये। पीवी रेशियो 45% है, मतलब 1100 का कितना परसेंट? 45% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कितना हो जाएगा? 495 में से ये 135 बटा दो, बाकी का क्या हो जाएगा आपका? 360 का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, कर लोगे जैसा नॉर्थ का किया वैसा वैसा बाकी का भी कर दोगे। और तीनों की मिला के आपको क्या करना है? अच्छा तीनों का मिला के भी करना है, चलो तीनों का मिला के कैसे कर दोगे? तीनों का मिला के में ये तीनों टोटल कर दोगे, ये सारे कॉलम का टोटल करके उसके हिसाब से कर दो पीवी रेशियो पे, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दोगे, क्लियर है? और ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स जो है वो क्या कर दोगे? यहाँ 0 रख दोगे। अगर नॉर्थ के अकेले की कैलकुलेट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 360, ये 360 और ये 360 डिवाइडेड बाय 45%, ये सेल आ जाएगी, ठीक है। नॉर्थ की आ जाएगी वैसे इस तीनों की आ जाएगी, और टोटल की करोगे तो टोटल वाले कॉलम के हिसाब से कर दोगे। टोटल वाले में क्या कर दोगे? इस कॉलम का टोटल हो गया यहाँ,
इस कॉलम का टोटल कर देंगे हम, इस कॉलम का टोटल कर देंगे हम, और इस कॉलम का टोटल है जो यहाँ कर देंगे, और फिर उसके हिसाब से कर देंगे, कर लीजिएगा, आगे इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 15 रुपीज पर यूनिट, 15 रुपये के हिसाब सेल करते हैं इन ए पीरियड, इफ इट प्रोड्यूसेज एंड सेल 8000 यूनिट्स, इट इनकर ए लॉस ऑफ 5 पर यूनिट। वो कह रहा है कि अगर एक साल के अंदर वो सेल करते हैं 8000 यूनिट, तो उन्हें लॉस होता है कितना, 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ए वॉल्यूम इज रेज टू 20,000 यूनिट, अगर हम सेल कितना करते हैं 20,000, इट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज पर यूनिट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म ऑफ वैल्यू एज वेल एज इन यूनिट। आपको दोनों कैलकुलेट करना। देख लो भाई वो क्या कह रहे हैं, अगर हम 8000 यूनिट सेल करते हैं, देखो पहली बात तो होती है आपका क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है उसको सही करना, समझ पा रहे हो, तो उसको अपने हिसाब से काम में लेना, ठीक है, 8000 यूनिट पे, और वो कह रहा है 20,000 यूनिट पे, इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसको लिख देते हैं। ये कह रहा है भाई अगर 8000 यूनिट है जो सेल करते हैं, तो हमारा सेल्स जो है वो कितने के हो गए, 8000 15 के हिसाब सेल करते हैं, 8000 इंटू 15 कितना होता है, 1,20,000, और 20,000 अगर करेंगे 20,000 इंटू 15 कितना हो गया, 3,00,000। वो कह रहा है अगर हम 8000 यूनिट सेल करते हैं तो हमें लॉस होता है 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो 8000 इंटू 5 कितना हो गया, 40,000 का प्रॉफिट, और लॉस कितना है, यहाँ 40,000 का लॉस है, और अगर 20,000 करते हैं तो 20,000 इंटू 4 आपका प्रॉफिट होता है 80,000 का, ठीक है। तो प्रॉफिट दे रखा है दो जगह पे, दो लेवल पे, और सेल्स दे रखी है दो जगह पे, तो हम क्या पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, पीवी रेशियो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रॉफिट, 80,000 माइनस का 40,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 माइनस 1,20,000, ये कितना हो गया, 80 प्लस 40 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 कितना हो गया, 75%। पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 75%। चाहो तो चेक भी कर दीजिएगा कि भाई जैसे एक के अंदर आपको भरोसा ना हो तो चेक भी कर लीजिएगा कि भाई कितना होता है। और अब अगर बात करें फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी एक पे कर दीजिए, 20,000 पे अगर करें तो 20,000 पे आपका सेल्स कितना हो जाएगा, सेल जो है वो कितने की दे है, 3,00,000 रुपीज़ की, 20 × 15 के हिसाब से 20,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी वो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 75%, मतलब कि 3,00,000 का 75% 0.75, 2,25 × 2,25 जिसमें से लेस फिक्स कॉस्ट, और प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, 80,000 का प्रॉफिट है, तो ये 80,000 का हो गया प्रॉफिट, तो 225 माइनस 80,000 ये हो गया 1,45,000 की आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो कुछ भी नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए प्रॉफिट कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये हो गया 145, ये हो गया 145, और ये 145, 1,45,000 डिवाइडेड बाई 0.75, ये हो जाएगा 1,933,333, ठीक है। यूनिट के अंदर करोगे तो इसमें डिवाइड कर दीजिएगा प्राइस से कितना है, क्लियर है। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। क्लियर है भाई, एक बार देख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 6, ये हो गया, ये कौन सा था, 7 था, ठीक है, 7 के अंदर। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट चेंज कैसे आ रहा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या। पीवी रेशियो के अंदर देखो 1,20,000 पे 8,000 के हिसाब से, 8,000 पे 5 के हिसाब से नुकसान हो रहा है कितना, 40,000, और 3,00,000 पे, सॉरी 20,000 पे 5 के हिसाब से प्रॉफिट होता है, 4 के हिसाब से, 20,000 पे 4 के हिसाब से, ये हो गया आपका 80,000। तो ये पीवी रेशियो कितना आ रहा है, ये हो गया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं भाई, एक सेकंड देख लेते हैं,
120,000 डिवाइडेड बाय 160,000 75%। ब्रेक इवन से जो वो बता रहे हैं कि 180,000 चेक कर लेते हैं। 180,000 एक सेकंड चेक कर लेता हूँ भैया। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर ये सेल्स सपोज वेरिएबल कॉस्ट एक्स और फिक्स कॉस्ट इन फर्स्ट सिचुएशन 15 × 8000 इंटू एक्स बराबर वाई माइनस 40,000। यूँ ही लंबा चौड़ा किया लेकिन इनका आंसर अलग कैसे आ रहा है? आंसर तो यही आना चाहिए भाई, 66.66% क्यों नहीं आ रहा है? 80,000 माइनस माइनस ये हो गया, एट थाउजेंड यूनिट पे 15 के हिसाब से 1:20 है, सही है। उसके बाद में 20,000 पे 15 के हिसाब से आपका ये हो गया 3 लाख हो गया। उसके बाद में पीवी रेशियो 8,000 पे 5 के हिसाब से लॉस 40,000 हो गया। 20,000 पे 5 के हिसाब से 4 के हिसाब से 80,000 हो गया। 80,000 प्लस 40,000 120,000 डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर चुके अपन। ये कितना होता है? 3 लाख माइनस 120,000 ये कितना हो जाता है? 180,000 हो जाता है, कभी कभी गलतियाँ, डिवाइडेड बाय 180,000 ये 66.66% है। सॉरी ये कितना है? 66.66% ठीक है। और उसके हिसाब से अगर बात करें तो आगे ये कितना हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगी। 3 लाख की सेल पे 66.66% के हिसाब से ये कितना होता है? कंट्रीब्यूशन आपका था 2 लाख रुपये और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 80,000 है, ये हो गया आपका 80,000। तो बाकी कितना बचा? 1,20,000। तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,20,000। तो देखिए ऑन पॉइंट भी कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई 1,20,000 तो और ये 120 और 120 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? 66.66% ये आ जाता आपका 1,20,000 डिवाइडेड बाय 66.66% ये हो गया आपका 1,80,000। तो आपके कितने पैसे जाएगा? 1,80,000 यूनिट के लिए क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 15 कर देंगे, क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा 12,000 यूनिट, क्लियर है भाई? कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा ध्यान दें, कहीं पे कभी गलत ना कर दें। नेक्स्ट उसके बाद में इलस्ट्रेशन एट पे आते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। क्लियर है? अब आइए इलस्ट्रेशन एट क्या कहता है? द प्रोडक्शन मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड इज एज अंडर, इस तरीके से दे रखा है। यूनिट 54,000 इसकी, 18,000 प्रोडक्ट मिक्स का होगा शायद, दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इफ कंपनी डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट एम, वो कह रहे हैं प्रोडक्ट एम है जो हम डिसकंटिन्यू करेंगे एंड रिप्लेस विद प्रोडक्ट ओ, और हम प्रोडक्ट ओ लेके आएंगे। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए ओ इज 9,000 यूनिट, इसकी कितनी है? 9,000 यूनिट है। एंड सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर रेस्पेक्टिवली 18 and 9। फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी 15,000 रुपये है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपीज़ है। आपको क्या करना है? ब्रेक इवन पॉइंट सेल कैलकुलेट करनी है, इन यूनिट के अंदर कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो दो प्रोडक्ट हो गए एन और ओ, इसकी 18,000 यूनिट और सेल करनी है और इसकी 9,000। मतलब यहाँ इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया? रेशियो बताया, किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में, समझ पा रहे हो? तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। हमने एक तो कहा था कंबाइंड पीवी रेशियो कैलकुलेट करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड पीवी रेशियो कैलकुलेट ना करना चाहे तो हम एक और तरीका है कि
एक बॉक्स बनाते जिसके अंदर तीनों यूनिट डाल देते हैं, दो इसकी और एक इसकी, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसकी, एक यूनिट कितने पे 15 पे सेल करते हैं, 4.5 इसकी कॉस्ट लगती है, मतलब कि कंट्रीब्यूशन कितना आता है इसका, एन की एक यूनिट पे 10.5 और इसकी एक यूनिट पे 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 10.5 और 1 × 9, तो इस एक बॉक्स से कितनी कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, 10.5 × 2 + 9, तो 3 यूनिट जब सेल करोगे तो कितना 30 रुपये, आपको कितना कमाना है 15,000, तो कितने बॉक्स सेल करने होंगे 15,000 / 30, कितने बॉक्स 500, एक बॉक्स के अंदर एन की कितनी यूनिट है 2 है, तो 500 × 2, और ओ की कितनी होती है 1, तो 500 × 500 × 2 and 500 × 1, तो 1000 इसकी और 500 इसकी, क्लियर है भाई, कर लोगे आप ये। उसके बाद में मिस्टर एक्स हैज 2 lakh इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस फर्म, ही वांट 15% रिटर्न ऑन हिज मनी, वो 15% चाहता है। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर ही फाइंड दैट हिज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज 60% ऑफ सेल्स, मतलब पीवी रेशियो कितना हो जाएगा आपका। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ और क्वेश्चन को समझते जाओ, ताकि आपको कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चन समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो आपको सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। इज फिक्स कॉस्ट जो वो 80,000 है, सो कंप्यूटेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट द सेल्स वॉल्यूम मस्ट ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। अरे यार क्या क्वेश्चन पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए 80,000 है, पीवी रेशियो हमारा कितना भाई, पीवी रेशियो 40%, 80,000 / 40%, बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछता है 2 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसे क्वेश्चन हम बच्चे गलत करके आते हैं, वहाँ गलती ना करें, समझ पा रहे हो भाई। जो चीज़ सही हो रही है वो तो आपको सही करनी ही है, और जो देखो आपका जो पेपर होता है उसके अंदर क्या होता है, 60% 50% पोर्शन ऐसा होता है जो आपका बहुत ईजी होता है, जैसे हम आराम से कर सकते हैं, और कुछ पोर्शन है जो थोड़ा हार्ड होता है। अब कई क्या करते हैं, हार्ड वाले से इतना चिंता में आ जाते हैं कि यार क्या होगा कैसे होगा, भाई जो पहले ईजी है जो हो रहा है वो तो कर लीजिए। अगर आपने 60 का क्वेश्चन अटेंड कर लिया और आपको लगता है कि ये सही कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आ जाएगा कि भाई अपने 60 तो आ ही जाएंगे, 60 के अगर वो काटेगा तो भी 50 आ जाएंगे। अब बाकी बचा 40 का पेपर, तो उसके अंदर 10-25 तो कहीं देगा ही देगा, अपनी एग्जामिनेशन तो पक्की, समझ पा रहे हो। कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्फिडेंस होता है उस केस के अंदर आपके कैलकुलेट पे हाथ से ही चलते हैं। और अगर आप कई बार क्वेश्चन, दिन भी होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस अगर टूट जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन हमें आती है, जो क्वेश्चन हमें आते हैं, वो भी हम गलत करने लग जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस आप रखें, आप ये माने कि आपको सब कुछ आता है, क्लियर है भाई। ऐसे हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लिए, और उसके बाद में हम RTP और मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर वो कवर कर लेंगे, तो फिर बचेगा ही है, समझ आ रही बात। जब इतना सब कवर करेंगे तो हमें तो सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्लियर है। व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कह रहा है कि 15% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहिए। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख का 15% मतलब कि कितना हो गया 30,000 का इसको ये प्रॉफिट चाहिए। अब इसको आप दोनों से कर सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और प्रॉफिट इस इक्वेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। और अब आप थोड़ी आपकी ग्रिप हो गई तो आप थोड़ा सीधा भी कर सकते हो भाई, फिक्स कॉस्ट के कितने रिकवर करने 80,000, प्रॉफिट के कितने रिकवर करने 30,000, तो टोटल आपके रिकवर कितने करने 1,10,000, तो 1,10,000 के लिए आपको कितने की सेल करनी होगी, 1,10,000 / पीवी रेशियो कितना है भाई 40%, तो ये हो जाएगा आपका 275, कहाँ गया ये इसके अंदर आ जाएगा 275। मिस्टर एक्स एस्टिमेटेड दैट इवन इफ क्लोज द डोर्स ऑफ बिजनेस ही वुड इनकर 25,000 एज एक्सपेंस पर यूनिट, वो कह रहा है कि अगर वो बिजनेस बंद कर दें, आज अगर वो बिजनेस चलाना बंद कर दें, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा 25,000 रुपये लगेंगे। एट वॉट सेल्स वॉल्यूम वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप, मतलब किस सिचुएशन के अंदर उसे बिजनेस बंद करना ज़्यादा सही रहेगा। अब ये थोड़ा क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझिएगा, एक पेज ले लेते हैं हम, इतना तो कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है वो कि अगर हम बिजनेस बंद कर दें, अगर हम क्लोज कर देते हैं तो 25,000 लगेंगे, और अगर हम बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है, तो रन करते हैं तो हमें कितना 80,000 रुपीज़ का
एक्सपेंडिचर लगेगा, समझ पा रहे हो। तो जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया, जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया, वैसे ही आपने क्या हो गया 20,000 से कितने पे चले जाओगे 80,000, 25,000 से कितने पे चले जाओगे 80,000। तो हमें अगर 25,000 का कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिल रहा है, समझ पा रहे बात, अगर हमें कंट्रीब्यूशन जो हमारा 25,000 से भी कम का है, तो उस केस में तो हमें क्या कर देना चाहिए, बिजनेस बंद ही कर देना चाहिए, समझ पा रहे हो। मतलब कि 25,000 की भी अगर हमें कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें बिजनेस बंद करना ही ज़्यादा सही है। अब 25,000 से अगर ज़्यादा का सेल हो रहा है, तो उस केस के अंदर हम देखेंगे कि भाई हमें बिजनेस चलाना नहीं चलाना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ये क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स एस्टिमेटेड दैट इवन ही क्लोज द डोर्स ऑफ बिजनेस, अगर वो बंद कर देता है, ही वुड इनकर 25,000 एज एक्सपेंस पर ईयर, वो 25,000 रुपये उसको फिर भी लगने। एट वॉट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप, मतलब कि किस सिचुएशन में उससे बिजनेस जो है बंद करना है, शुरू करना है, उसके अंदर वो इस तरीके से क्वेश्चन है जो बात करता है। तो देखो अब ध्यान से समझिएगा, 25,000 रुपीज अगर शट डाउन कर देता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और अगर बिजनेस रन करता है तो 80,000। तो जैसे ही शट डाउन से वो रन की तरफ जाएगा, मतलब जैसे ही वो शट डाउन हटा के, मतलब शटर खोल के बिजनेस करना शुरू करेगा, वैसे ही उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 55,000 रुपये से बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो। अगर शटडाउन रखता है तो 25,000 है, और अगर रन करता है तो 80,000। तो जैसे ही वो बिजनेस शुरू करेगा, उसकी कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी, यही है ना, 80,000 - 25,000 कितना, 55,000। तो 55,000 से उसकी फिक्स कॉस्ट है जो बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो, फिक्स कॉस्ट है जो बढ़ जाएगी, या कॉस्ट है जो इंक्रीज हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट है जो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात समझ आ रही है आपका, कितने से 55,000 से आपकी कॉस्ट है जो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 55,000 की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो 55,000 का तो कम से कम आपका कंट्रीब्यूशन भी, मतलब रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ता है सिर्फ कितने से, सपोज 10,000 से, तो आप बिजनेस शुरू क्यों करोगे, 10,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हो और कॉस्ट कितने से लगा रहे हो, 55,000 की लगा रहे हो, तो आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए क्या, नहीं शुरू नहीं करना चाहिए। तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 55,000 का कंट्रीब्यूशन मिलता हो तो हमें शुरू करना चाहिए, समझ पा रहे हो, क्लियर है। तो 55,000 की कंट्रीब्यूशन को अर्न करने के लिए हमें कितनी यूनिट सेल करनी होगी भाई, क्या था इसका मैं सेल और वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी देखो दे रखा था, अच्छा पीवी रेशियो दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय 40%, 55,000 डिवाइडेड बाय 40%, 1,37,500। अगर इसका सेल जो है वो 1,37,500 से भी कम है, तो उस केस के अंदर वो कंट्रीब्यूशन कितना कमाएगा, 55,000 से कम कमाएगा, मतलब कि अगर बिजनेस उसने शुरू किया तो नुकसान ही होगा। अगर उसने 1,37,500 की सेल होती है, तो उस केस में वो बिजनेस बंद करे चाहे बिजनेस शुरू करके, दोनों ही केस के अंदर नुकसान कितना है, तय है 25,000 ही होगा, समझ पा रहे हो। जैसे अगर बिजनेस बंद रखता है 1,37,500 पे, दोनों केस देख लेते हैं, अगर वो शटडाउन रखता है और रन करता है, अगर शटडाउन करता है तो 1,37,500 की सेल होगी क्या, नहीं, तो लॉस कितने का होगा, 25,000 रुपये उसकी जो कॉस्ट लगनी हो। अगर रन करेगा तो 1,37,500 जिसका 40% उसको क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना, 55,000 का उसे कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें से फिक्स कॉस्ट उसकी अब कितनी लगेगी, यहाँ पर 80,000 लगेगी सर, कितनी 80,000। तो ये कितने का नुकसान हो रहा है, 25,000, समझ पा रहे हो। तो यहाँ इस केस पे वो शटडाउन करे या रन करे, दोनों ही सेम सिचुएशन, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, अगर इससे कम सेल हो तो, इससे कम सेल हो तो उसे क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। कैसे, अगर शटडाउन रखेगा तो कितने का लॉस होगा, 25,000 का शटडाउन कॉस्ट लगेगी, और अगर रन करेगा तो 1,30,000 की वो सेल करेगा, और कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका, 40%, 1,30,000 का 40% कितना, 52,000, और इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी सर, 80,000 फिक्स कॉस्ट लगेगी, तो 80,000 - 52,000 कितना नुकसान हो गया। अरे भाई क्या कर रहे हो, 80,000 - 52,000 28,000। तो अगर बिजनेस रन करेगा तो उसको 28,000 का लॉस होगा, और बिजनेस अगर चालू करेगा, सॉरी बिजनेस अगर बंद रखेगा तो 25,000 का, और बिजनेस शुरू करेगा तो 28,000 का। तो ऐसे अच्छा है बिजनेस बंद ही रख भाई, जब बिजनेस करने की लखन ही नहीं है तेरे अंदर, तो क्यों बिजनेस करते हो, समझ पा रहे हो। तो
1,37,500 रुपीज से कम सेल है तो उसे बिजनेस शटडाउन रखना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा सेल है तो उसे कमाना चाहिए, मतलब आगे सेल करनी चाहिए।